हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी प्लांट नोमेनक्लेचर पार्ट टू। पार्ट वन में हमने इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर पढ़े थे और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और दो रूल्स को आज स्टडी करेंगे। पहला जो रूल है वो है टाइप मेथड या नोमेनक्लेचरल टाइप। टाइप स्पेसिमेन को समझना पहले ज़रूरी है। आपको ये मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन्स हैं और उन बॉटनिकल गार्डन्स के साथ में हर्बेरियाज हैं। उनके हर्बेरिया वो एरिया होता है, वो हाउस होता है जिसमें कि ड्राइड या और तरह से प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल को रखा जाता है। हम अगर दुनिया के बड़े बड़े हर्बेरियाज की बात करें तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू का जो हर्बेरियम है उसमें लगभग 50 लाख स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया गया है, ड्राइड फॉर्म में भी और दूसरी फॉर्म में भी। लेनिनग्रेड यानी सेंट पीटर्सबर्ग जो अब कहलाता है वो भी लगभग उतने ही स्पेसिमेन को प्रिजर्व करता है। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में भी 40 लाख के करीब स्पेसिमेन उन्होंने रखे हुए हैं। पेरिस बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज का जो गार्डन है और उनका जो हर्बेरियम है वो एक बहुत बड़ा हर्बेरियम है। 25 लाख स्पेसिमेन को तो प्रिजर्व इंडिया में जो कोलकाता का है हर्बेरियम वो भी रखता है। मेलबोर्न नेशनल हर्बेरियम बहुत बड़ा है, उपसला बॉटनिकल गार्डन बहुत बड़ा है। उपसला बॉटनिकल गार्डन जो है उसमें कभी जो लिनियस हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी प्लांट टेक्सोनॉमी वो कभी उसके डायरेक्टर रहे थे। हुक्कर जो थे, बेंथमन हुक्कर का क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में, हुक्कर कभी रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के डायरेक्टर रहे थे। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक बड़ा हर्बेरियम है, उसमें भी 15 लाख के करीब रखे गए हैं स्पेसिमेन। लखनऊ नेशनल बॉटनिकल गार्डन का भी अच्छा खासा अपना हर्बेरियम है जिसमें कम से कम 75,000 स्पेसिमेन रखे गए हैं। हम ये जानते हैं कि यूके, इंडिया और दूसरे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके जो हर्बेरियाज हैं वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। कई हर्बेरियाज में ये जो टाइप स्पेसिमेन है, टाइप स्पेसिमेन का मतलब वो हर्बेरियम शीट या वो स्पेसिमेन जिसके आधार पर पहली बार उसके खोजकर्ता ने डिस्क्रिप्शन दिया था, उन स्पेसिमेन को टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। और उनको कई हर्बेरियाज ने अलग से ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में रखा गया है, क्योंकि कहीं भी अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, कहीं भी कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो वही जो हर्बेरियाज हैं जिनके आधार पर डिस्क्रिप्शन दिया गया था वही प्रूव करते हैं सही और गलत के फ़र्क को। अब हम ये जो स्पेसिमेन हैं ये कभी कभी ड्राइंग या फोटोग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं। ज़्यादातर तो जो हर्बेरियम शीट है वो होती है सूखे हुए प्लांट्स को, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए कि सकुलेंट प्लांट्स हैं उनके इन्फ्लोरेसेंस को तो हमने प्रिजर्व कर दिया है, सुखा दिया है, लेकिन उसकी जो पत्ती है या उसका जो स्टेम है, शूट है, उसको पॉसिबल नहीं है, तो उस समय ड्राइंग या फोटोग्राफ से भी काम चलाया जाता है। और तो ये टाइप स्पेसिमेन वो स्पेसिमेन है, वो हर्बेरियम शीट है जिसके आधार पर पहली बार ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी को हम होलोटाइप कहते हैं। होलोटाइप जो शब्द है वो इट इज़ यूज या डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर एज नोमेनक्लेचरल टाइप। जिस शीट से पहली बार डिस्क्रिप्शन करके और सबमिट किया गया था वैलिड प्रकार से उसको पब्लिश करवाया गया था। लेकिन यदि होलोटाइप ऑथर ने नहीं दिया है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है किसी भी कैटास्ट्रॉफी के कारण, चाहे वॉर, बॉम्बिंग, फ्लड या फायर के कारण, उस समय स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। स्पेशल प्रोविजंस में जो बॉटनिस्ट हैं वो सब्स्टिट्यूट्स के लिए एग्री होते हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूट्स हैं ये इस प्रकार से हैं। पहला है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप वो स्पेसिमन है जो कि उसी ओरिजिनल मटेरियल से लिया गया है जहाँ से ऑथर ने डेजिग्नेट किया था होलोटाइप को। नियोटाइप वो स्पेसिमन है जो कि उस ओरिजिनल मटेरियल से तो नहीं है लेकिन वो वही वाला मटेरियल है जो कि
ऑथर ने जिससे होलोटाइप बनाया था। आइसोटाइप जो है वो बी होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, सेम कलेक्शन से होता है, सेम डेट और सेम लोकेलिटी से। इनको हम इस तरह से समझें कि मान लीजिए कोई एक ऑथर है या कोई एक बॉटनिस्ट है एक्स, जिन्होंने पहली बार किसी स्पीशीज को खोजा, स्पीशीज ए को खोजा। अब जो ऑथर एक्स हैं उन्होंने बहुत सारा मटेरियल प्रिजर्व किया था, उन्होंने 50 शीट्स बनाई थी, उन 50 शीट्स में से उन्होंने 10 शीट्स को सबमिट किया था दुनिया के किसी बड़े हर्बेरियम में वैलिड पब्लिकेशन के लिए, ऑथेंटिफिकेशन के लिए। उस 10 शीट्स को उन्होंने नंबरिंग की थी 1 से लेकर 10 तक। उसमें से उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि 5वें नंबर की जो शीट है दरअसल वो टाइप स्पेसिमन है और उसी के आधार पर उनका डिस्क्रिप्शन आया है। अब वो जो 5वें नंबर की शीट होगी दरअसल वो होगी टाइप स्पेसिमन या होलोटाइप। लेकिन मान लीजिए कि 5वें नंबर की शीट जो है वो मिस हो गई है किसी कारण से, दीमक खा सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, उस समय ये सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से हम दूसरे सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ करें। जैसे कि जो पैराटाइप मैंने लास्ट में दे रखा है, पैराटाइप, ये पैराटाइप जो है ये उस 5वीं शीट के अलावा जो बाकी की 9 शीट्स हैं 1 से लेकर 10 तक में, उनको हम पैराटाइप मान सकते हैं। को टाइप जो है, को टाइप वो स्पेसिमन है जो कि सेम प्लांट से लिया गया बाद में, जहाँ से कि होलोटाइप कलेक्ट किया गया था। को टाइप इज़ पॉसिबल ओनली फॉर ट्री प्लांट्स, क्योंकि पेड़ों में मान लीजिए कि ऑथर ने ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि फला माउंटेन पर मंदिर के सामने जो ट्री है उस ट्री से ये स्पेसिमेन लिया गया है, तो वो जो ओरिजिनल मटेरियल है वो लॉस्ट हो जाने के बाद में सेम ट्री से अगर नया स्पेसिमेन लिया जाता है तो उसको हम को टाइप कहते हैं। सिन टाइप जो है, सिन टाइप मोस्टली उन प्लांट मटेरियल्स के लिए होता है जिनके साइज़ जो हैं वो बड़े होते हैं, पत्ती बड़ी साइज़ की है, इन्फ्लोरेसेंस बड़ी साइज़ का है, रूट में मान लीजिए पिक्यूलरिटी है उसको भी करना है प्रिजर्व, तो एक शीट में सारे ऑर्गन्स को पॉसिबल नहीं होगा प्रिजर्व करना। तब मान लीजिए कि 1 से लेकर 3 शीट्स का यूज़ किया, 1 से 3 नंबर का, पहली शीट पे इन्फ्लोरेसेंस को ड्राई करके लगाया गया, दूसरी जो शीट है वो केवल एक लीफ की शीट है, तीसरी जो शीट है उसमें और कोई पिक्यूलरिटी आती है, तब उसको 1, 2, 3 जो शीट्स हैं उनको जॉइंटली हम सिन टाइप कहते हैं। आइसोटाइप जो है वो होलोटाइप का डुप्लीकेट मैंने बताया था, सेम कलेक्शन से, सेम डेट और सेम लोकेलिटी से। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑथर ने 10 शीट सबमिट की थी हर्बेरियम में, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सेम मटेरियल से, सेम डेट में लिए गए मटेरियल से कई और शीट्स बनाई थी, 40 और शीट्स बनाई थी। उनमें से जो सेलेक्ट किया जाएगा उसको आइसोटाइप कहा जाएगा। तो अलग अलग केसेस में इनमें से अलग प्रकार की जो कैटेगरी है, अलग प्रकार का जो सब्स्टिट्यूट है वो लिया जाता है। अब जो टाइप स्पेसिमेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर डिस्क्रिपेंसीज को मीट आउट किया जाता है, उसी की हेल्प ली जाती है, इसलिए स्पेशल केयर उसको दी जाती है। जो हर्बेरियम का क्यूरेटर होते हैं वो हमेशा उसको एक स्पेशल केयर देते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव कवरिंग में उसको रखा जाता है, जब ज़रूरी हो तभी उसको बाहर निकाला जाता है, उसकी देख रेख ज़्यादा होती है। कई ऐसे हर्बेरियाज हैं जो उस टाइप स्पेसिमेन वाली शीट्स को कहीं देते भी नहीं हैं, लोन नहीं देते हैं, कहीं भी उसको किसी इंस्टीट्यूट में या किसी बॉटनिस्ट को उसको देते भी नहीं हैं, और उसको तभी रेफ़र किया जाता है जबकि बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूल पर, जो है रिजेक्शन ऑफ नेम्स। अब नामों का रिजेक्शन कब किया जाता है, जबकि कोई नाम इललेजिटिमेट हो, मतलब नामों को रिजेक्ट करना, उनको मॉडिफाई करना, उनके नामों को चेंज करना, तब होता है जबकि या तो वो नाम इललेजिटिमेट हो। इललेजिटिमेट कब होता है, जब वो नॉमनक्लेचरली सुपरफ्लस हो, सुपरफ्लस का मतलब बहुत ही कृत्रिम प्रकार का यदि है, वो मेल ही नहीं खाता है,
या पब्लिकेशन जो है वो सही प्रकार के आर्टिकल्स में नहीं आया हो, लेटर होमोनिम हो, लेटर होमोनिम का मतलब है कि उसी नाम से पहले किसी प्लांट का नामकरण हो चुका है, तो उस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रिजेक्टेबल जेनेरिक नेम हो, टॉटोनिम हो, टॉटोनिम का मतलब ये होता है कि जो जीनस का नाम है वही रिपीट हो यदि स्पीशीज के नाम में। टॉटोनिम्स जो हैं दे आर अलाउड इन जोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर है उसमें, जैसे कि नाजा नाजा, लेकिन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड। अगर पब्लिकेशन जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को नहीं फॉलो कर रहा है तब भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई नाम जो है वो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, उसको नॉमिना एम्बिगुआ कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, लिनियस ने अमेरिकन ओक का नाम रखा था कर्कस रूब्रा, लेकिन बाद में उस नाम से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न यूएस में रेड ओक के लिए ये नाम सजेस्ट हो गया और साउथ ईस्टर्न यूएस में स्पेनिश ओक के लिए सेम नाम दिया गया। तो नॉमिना एम्बिगुआ के कारण, एम्बिगुअस नेमिंग के कारण उस नाम को रिजेक्ट कर दिया गया। जेनेरिक नाम तब रिजेक्ट होता है जीनस का नाम जबकि जो उसके वर्ड्स हैं वो उस नेम से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से मेल नहीं खाते हैं। कई बार वो मॉर्फोलॉजिकल जो टर्म्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, आकारी की जो टर्म्स हैं, वो जैसे स्टेम के लिए दी जाती हैं, लीफ के लिए दी जाती हैं, इनफ्लोरेसेंस के लिए दी जाती हैं, यदि वो किसी उससे करता हो, जैसे अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, अब उस नाम से कोई प्लांट का नाम नहीं हो सकता है। या अनहाइफन दो वर्ड्स का बना हुआ जेनरिक नेम है वो भी रिजेक्ट हो जाता है या उसको चेंज करना पड़ता है। इसी प्रकार से स्पीशीज के एपिथेट्स को भी उस समय नहीं सही माना जाता है जबकि वो नाम जो है वो एडजेक्टिव हो, कोई किसी प्रकार का विशेषण हो, टॉटोनिम हो, या इस प्रकार पब्लिश हुआ हो जहाँ की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को नहीं फॉलो किया जाता हो, या वो नॉट इंटेंडेड एज नेम्स, नाम लगे ही ना वो। अब ओरिजिनल जो स्पेलिंग है उसको रिटेन किया जाता है, लेकिन टाइपोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक अगर एरर है तो उसको अलाउ कर लिया जाता है। पहले कैपिटल इनिशियल्स से स्पीशीज़ का नाम चालू होता था अगर वो डाइटीज़ या पर्सन के नाम पर होता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।